प्रॉब्लम है, सुपर हीरोज की मूवी देख के सब अपने आप को सुपर हीरो समझने लगते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कान पे लगाती नहीं है क्या, या वैसे फालतू हरकतें करते हो? कितने पैसे वेस्ट कर दिए इस फालतू ड्रेस में, इससे अच्छा एक नई जींस ले लेते, गैर वाली साइकिल के लिए पैसे बचा लेते। हेलो, ये फैंसी ड्रेस नहीं, असली है, और मैं एक जगह से दूसरी जगह साइकिल से नहीं उड़ के जाता हूँ, साइकिल की जरूरत नहीं है मुझे। रो, तुम्हें सच में साइकिल की नहीं साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। घर जाके कपड़े होता हर सर से बालवीर का भूत, ये बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कैसे क्या, मैंने तो कभी नहीं देखा बालवीर को। छोटू, दिखती तो हवा भी नहीं है और होती तो है। ओ साइंस टीचर जी, आपने देखा है कभी बालवीर को? बालवीर से ही पूछ रहे हो कि उसने बालवीर को देखा है कि नहीं? ओ भाई, अभी इतना भी कैरेक्टर में मत घुसो, बहुत ज्यादा गर्मी है, कपड़ों में पसीना हो जाएगा। ओके सर पिस्ता, जम क्या गए, कूदना बनकर अभी चलो, स्कूल बस आ जाएगी। वैसे एक बात बताओ, इस सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? बड़ा ही बदतमीज बच्चा है, मेरी नकल भी करके गया, और जिसे मैं ढूंढने आया हूँ वो ऐसा ना निकले। बच्चे का नाम हो चाहे रिंकी पिंकी चिंकी या रिम, सबको मिलेगी फ्री की आइसक्रीम। ले लो फ्री की आइसक्रीम, ये फ्री की आइसक्रीम। जिस बच्चे के हाथ में निशान होगा वही होगा मेरा उत्तराधिकारी। इतने सारे बच्चे एक साथ मस्ती परी, अब एक एक के हाथ कैसे देखेंगे? और इसको देखो, ये तो दूसरी बार आ गया है लेने। बेटा, आइसक्रीम टेस्टी होती है लेकिन बार बार खाने से गला खराब हो जाता है ना? मेरे पास एक तरीका है, हम ना जादू से बच्चों के हाथ ऐसे अपनी ओर मोड़ देते हैं और फिर सबके हाथ एक साथ देख लेंगे, है ना? ये क्या कर रही है मस्ती परी? शौर्य ने कहा था ना कि हम पृथ्वी पे कोई भी शक्ति कोई भी जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, हमारे आसपास बुरी शक्तियाँ हो सकती हैं जो हम पे नजरें लगाए बैठे हो। आ गई धरती, अब मचेगी तबाही। बालवीर, मैं आ गया हूँ। इस रूप में धरती पर उत्तराधिकारी ढूंढने में शायद कोई मुश्किल, मुझे मेरा रूप बदलना होगा। अब इन कपड़ों में मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। पृथ्वी पे जब भी आओ तो लोग हंसते हैं, कोई जानता ही नहीं, हमें अपनी पहचान फैलानी पड़ेगी। मैंने सुना आजकल वो पृथ्वीलोक पे सोशल मीडिया करके कुछ है जिसमें लोग रातों रात मशहूर हो जाते। मेरी बात मानिए, आप भी अपना एक धमकी भरा संदेश डाल दीजिए उस पे, ताकि अगली बार लोग देखते ही इधर उधर भागने लगे। ये खा और अपना मुंह बंद रख। जहां बच्चे वहां बालवीर। ए भाई भाई भाई, पैसा, मनी 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 मनी, पैसा पैसा ए, ए, ए। पैसा चाहिए बदतमीज।
पैनिक का मनेक मम्मी को आई लव यू भी लिख के देगा, टीचर को लीव नोट भी लिख के देगा, पापा को सॉरी भी लिख के देगा। पैनिक का मनेक फ्री लो फ्री। पैनिक का मनेक उसके हाथ पे भी ठीक तुम्हारे जैसा ही ये निशान होगा। अरे वो सच में बालवीर था। कसम सलमान जी, नहीं था, वर्ल्ड में से एक हीरो है वो है सलमान। कहाँ जा रहे हो? तुम बहराजा भयमार को ए करके चिल्लाते हो? हाँ? बच्चे कहाँ हैं? स्कूल की छुट्टी हुए आधा घंटा हो गया है, बच्चे गए। तुम लोग क्या सर्कस से छूट के आए हो? यहाँ सर्कस दिखाने का कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा चलो। तुझे हम क्या सर्कस वाले लगते हैं? तू जानता नहीं इन्हें, ये काल लोक के होने वाले भयराजा भयमार है। अबे काटू, ये डंडा पड़ेगा ना तो तेरे महाराजा अपना नाम भी भूल जाएंगे। लोगों को उड़ता हुआ देख के बहुत मजा आ जाता है। चलो अब, वैसे स्कूल तो बंद है तो बच्चों को घर घर जाके इकट्ठा करेंगे? नहीं तौबा तौबा, अब हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पहले से ही बहुत भीड़ होगी, बहुत कोहराम मचेगा। छोटू फ्री में पेन। इस बार बताओ, सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? ये तो वही शैतान बच्चा है। फ्री का तो मैं से प्रसाद ही लेता हूँ, या एक दिन सलमान का ऑटोग्राफ भी लूंगा। नहीं चाहिए। क्यों बार बार यही बच्चा मुझसे टकरा रहा है? पैनिक का मनेक। अरे भीड़ तो इधर भी बहुत है और बच्चों को सता के बालवीर को पकड़ने का आपका ख्याल भी बहुत अच्छा, लेकिन क्या पता वो धरती पे हो ही ना, अगर कहीं छुप के बैठा हो तो, आया नहीं तो। बालवीर भले ही ना मिले, उससे जुड़ा कोई ना कोई जरूर मिलेगा और हमारे लिए वो भी काफी है। आओ बच्चों आओ, फ्री का टॉफी खाओ। टॉफियां बट रही है महाराजा, आपके लिए लेके आऊं? इतनी छोटी पोटली में से टॉफियां निकलते ही जा रही है। या तो पोटली में जादू है या फिर पोटली वाली के हाथों में। कहीं ये परियां तो नहीं?
बहुत जल्द ही काल लोक का तख्त मेरा होगा भैरानी तिमनासा। जाओ भूचाल, पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां जाकर मासूम बच्चों में इतनी दहशत फैला दो कि उनकी रूह कांप उठे। एक एक बच्चा बालवीर बालवीर करके चिल्लाए और जब बालवीर आए क्या बचे लोग, तुम लोग ने वापस मस्ती चालू कर दिया। विवान चल अपनी सीट पे जाके बैठ। अरे फाटक कैसे बंद हो गया? अरे यहाँ से कैसे भी करके बस को निकालो, ट्रेन आ जाएगी। अरे ये बस आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? अरे बस को आगे बढ़ाओ ड्राइवर, ड्राइवर ट्रेन कभी भी आ सकती है। ये डोर लॉक कैसे हो गया? इसी पोटली में से कितने किरने निकालोगी? शौर्य ने पहले ही मना किया था कि धरती पर कोई जादू नहीं करेगा। अरे हाँ, तुम इस पोटली को ही बड़ी कर देती हो? अरे नहीं, वो भी तो जादू ही होगा ना। अरे हाँ ठीक है, तो इस पोटली से और कैंडिडेट नहीं निकलेगी, ठीक है? जादू तो इसके हाथों में भी है। मतलब ये मामूली सा खेल है। क्या हुआ भाई राजा, रुक क्यों गए? यहाँ जादू के नाम पे बस हाथ की सफाई हो रही है। बिना बात का समय खराब किया मेरा, चल यहाँ से। अरे अरे रुकिए। आओ बालवीर आओ।
बच्चे फंस गए हैं, अब बालवीर को इन्हें बचाने आना ही होगा। बालवीर को पकड़ने के लिए मुझे भेजा होता, भूचाल को क्यों? छोटे मोटे कामों के लिए मैं अपने बड़े के नहीं खोला करती अक्रूर। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, बालवीर को पकड़ने का काम ये कैसे हो गया? छोटा मोटा भूचाल का काम सिर्फ बालवीर को उकसाने का है, ताकि बालवीर जहां भी छुपा बैठा है निकल कर सामने आ जाए। और जैसे ही बालवीर आएगा तो उसका सामना भूचाल से नहीं, तिमनासा से होगा। भी देखता हूं कब तक नहीं आएगा बालवीर। ऐसे में भी सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, बालवीर। अभी नीचे पृथ्वी पर प्यारे प्यारे से बच्चों के चीखने का मधुर संगीत गूंज रहा होगा। बचाओ, बचाओ, वो प्यारे प्यारे से बच्चे डर के मारे थर थर कांप रहे होंगे और बालवीर बालवीर चिल्ला रहे होंगे। बालवीर सामने आएगा तो सही, पर उन्हें बचाने नहीं, मेरे चंगुल में फंसने के लिए। नन्ही उंगली की कसम बहरानी, आपकी बातें सुनने में बड़ा वो आ रहा है आनंद, लेकिन हैरानी पूरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो मैं पूछना चाह रहा था कि आपने भूचाल को धरती पर तो भेज दिया है, लेकिन धरती पर तो हमारी शक्तियां काम ही नहीं करती, तो फिर उस भूचाल की कहां से करेंगी? और जब उसकी शक्तियां काम नहीं करती तो फिर उसको कैसे पकड़ेगा बालवीर को? ये जानते हो क्या है? नहीं बहरानी। ये मेरा बनाया हुआ एक जादुई तरल है। इस तरल की खास बात ये है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कहीं ज्यादा है, और ये तरल मैंने भूचाल को दे दिया है। एक बार भूचाल इस तरल से बच्चों को फंसा देगा ना, फिर बालवीर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो तड़पेगा लेकिन बच्चों को बचा नहीं पाएगा। पिछली बार तो वो शेर उसे बचाकर ले गया था, लेकिन इस बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस बार जब बालवीर आएगा तो मैं मारूंगी नहीं उसे, बल्कि उस शेर का इंतजार करूंगी और फिर उस शेर के सामने बालवीर को खत्म करूंगी और फिर उस शेर को। आओ बालवीर, आओ। बच्चे कहीं मुसीबत में, मुझे जाना पड़ेगा। इसका मतलब बालवीर वहां है। अरे बंद करो ये बालवीर का रेडियो, कोई बालवीर वालवीर नहीं आने वाला, बालवीर होगा तो आएगा ना।
हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? दिल से बुलाया, बालवीर आया। इधर अच्छा मिलेगा। कहाँ है बालवीर? बालवीर, 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 बालवीर। कसम सलमान की, ये से उड़ के कैसे आ गया? मैंने कहा था ना छोटे, मैं ऐसे ही आता हूँ। कपड़े होता हर शहर से बालवीर का बूट, ये बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता। प्री, प्री का तो मैं सिर्फ प्रसाद ही लेता हूँ। उसके हाथ पे भी ठीक तुम्हारे जैसा ही ये निशान होगा। दिल से बुलाया, बालवीर आया, मतलब सच में बालवीर होता है? होता तो है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे बाद अगले बालवीर तुम होंगे। मतलब सच में बालवीर होता है? होता तो है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे बाद अगले बालवीर तुम होंगे। मैं बालवीर है, ये तो तुम्हें पता चल गया। अब बालवीर क्या कर सकता है ये देखो। सिर्फ यही यकीन नहीं हो रहा था कि बालवीर होता है, अब तो मुझे ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं भी बालवीर हूँ।
गॉड, कहीं ट्रेन ने बालवीर को कुचल दिया तो? ऐसा नहीं हो सकता, वो बालवीर है, वो ट्रेन और प्लेन दोनों को कुचल सकता है। ये ट्रेन मायावी थी। इस तरह का मायाजाल तो पहले भी देखा है मैंने। मतलब ये तिमनासा की चाल थी। इसे दृश्यम कहते हैं। भैरानी, नन्नी उंगली की कसम, आपके सामने मेरा दिमाग थोड़ा नन्ना है, लेकिन ये दृश्यम क्या होता थोड़ा ये कर दीजिए, समझा दीजिए। दृश्यम नजर का धोखा होता है जबदाली, जो होता ही नहीं वो नजर आता है। बालवीर जैसे ही धरती वासियों को बचाने के लिए आएगा तो वो देखेगा जो है ही नहीं, और ऐसे जाल में फंसेगा जैसे मछली एक कांटे में फंस जाती है। बाल्लों के लोगों को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि बालवीर की शक्तियां कम होती जा रही है, वरना मेरे रहते आप बालवीर की चिंता मत कीजिए। आप समझे कि नहीं समझे, मैं जाऊंगा अब धरती लोक पे बालवीर की रक्षा करने। बालवीर के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, बस आप दोनों मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और साथ में तलवार भी दीजिए। तलवार? वो क्या है ना, मेरी वाली थोड़ी धार करने दी है ना इसके लिए। समझे कि नहीं समझे। टूपा टूपा, हम जानते हैं कि तुम बालवीर से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अभी अगर बालवीर के पास चले गए ना तो मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बालवीर भी तो तुमसे उतना ही प्यार करता है, और अभी अगर उसके पास चले गए तो उसका पूरा ध्यान तुम्हें बचाने में लग जाएगा, है ना? हाँ वो तो है। बाल परी, तुम धरती पे बालवीर के पास जाओ। हाँ शौर्य, मुझे भी उनकी चिंता हो रही है, मैं तुरंत ही बालवीर और परियों के पास जाती हूँ। बालवीर कहाँ है? यहीं से तो आवाज आई थी। हाँ? जब सेल्फी ली तभी कैमरे में थी, अभी फोटो में नहीं है। ये फोटो में कैसे नहीं आए, फ्रेम में तो थे ये। नहीं नहीं, हम भूत नहीं है। जरूर तुम दोनों ने कोई जादू किया होगा। जादू? कहीं ये परियां तो नहीं? क्या किया है बताओ। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। बालवीर नहीं तो परियां ही सही। सबूत है हमारे पास, अभी हमने सेल्फी लिया है सिंगल से, आप लोग यहीं खड़े हुए थे, अभी फोटो में नहीं है, देखिए। ये अगर ऐसे ही जादू जादू करती रही ना तो हमारी पोल तो पक्का खुल जाएगी। अब तो परियों को लेके काल लोग जाऊंगा। अब आपका फोन दिखाइए, हम भी देखते हैं हम कैसे नहीं है। अरे आप भी भूत नहीं निकली,
देखिए। अरे नहीं नहीं मैं भूत नहीं हूँ। तो शायद जादू करनी होगी, तभी तो फोटो में नहीं आए। अरे नहीं नहीं लगता मेरा कैमरा ही खराब हो गया है। बनवाया था कैमरा मैंने। मतलब ये भी परियां नहीं हैं? कहां छुपे हैं ये लोग? बाल बाल बचे। बाल बाल से याद आया, बालवीर को ढूंढना है, चलो। ये क्या था? जरूर उसका कोई एजेंट होगा या लाल रोशनी, मतलब तिमनासा का कोई प्यादा जरूर है यहाँ। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। बालवीर तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं। उत्तराधिकारी को ढूंढने के चक्कर में खुद ही ना ढूंढ लिया जाना। भूचाल यहाँ, इसकी तो परछाई भी बदसूरत है। ना परियां मिली और ना ही वो बालवीर। और एक बार बालवीर मेरी पकड़ में आ जाए तो दृश्यम गायब, ऐसे कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। दृश्यम के पहले और दृश्यम के बाद के बीच का समय ऐसे गायब होगा कि किसी को कुछ याद ही नहीं रहेगा। सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था। इसे कहते हैं दृश्यम। मैं यहां क्या कर रहा हूं? बालवीर माँ, तुम ठीक तो हो ना? माँ आप यहाँ क्या कर रही है? संभालो बालवीर, मुझे कुछ बुरी शक्तियों का आभास हुआ है। यहाँ हो क्या रहा है? पता नहीं माँ, लेकिन मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। जरूर तिमनासा ने कुछ किया होगा। बाकी सब परियां कहाँ हैं? अच्छा, ना तो कोई परी मिली और ना मिला बालवीर। महारानी, नन्ही उंगली की कसम, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बिना बालवीर बिना परी का पता लगाए अपने ये घटिया सा मुंह ढक लाने की। दृश्यम किसी काम का ही नहीं था। अखरूर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो ये कह रहा है, ये बेकल कहीं का। शांत हो जाओ जब्दाली। माना कि हमारा दृश्यम काम का नहीं था, लेकिन क्या वाकई दृश्यम काम का नहीं था या तुम किसी काम के नहीं थे? अभी तो बहरानी ने इसे जिंदा किया था, अभी फिर से वो कर देंगे या खत्म? ये फोटो में कैसे नहीं आए? जरूर तुम दोनों ने कोई जादू किया होगा। बाल बाल बचे।
आप सब ठीक तो है ना? हमें कुछ गलत होने का आभास हुआ था। बालपरी, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, पर तकलीफ तो इस बात की है कि हमें अभी तक हमारा उत्तराधिकारी नहीं मिला। बालवीर, हमें जल्द से जल्द उस बच्चे को ढूंढना होगा, हमारे पास समय बहुत कम है। जी माँ। हम सबको भी अलग अलग होकर उसे जल्दी से ढूंढना होगा। अरे तू ये बता, फुटबॉलर्स को कौन सी टाइप की डी पसंद है? पेनल्टी। ये विवान को तक खुश दिखता हूँ ना, मेरे नसों में चीटियाँ दौड़ने लगती है। जी में आता है एक थप्पड़ मार के सारी खुशी निकाल दो इसकी। अरे भैया, आप क्यों अपने हाथ गंदे करोगे? इसकी मम्मी मारेगी ना इसे थप्पड़। क्यों? हम पढ़वाएंगे, एक आइडिया आया है। क्या बता? वाह चिंटी, क्या आइडिया दिया है, आप मजा चखाएंगे इस विवान के बच्चे को। चल क्या बात कर रहे भैया, शहर में सलमान खान आ चुका है। अरे हाँ चिंटी, गोरेगांव स्टेशन पे शूट चल रही है उसकी। किसी को बताना मत, सिर्फ तू और मैं लेंगे सलमान के साथ सेल्फी। चल 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 चिंटी, सेल्फी लेंगे रे। भैया जब तक हम घर पहुंचेंगे, स्टेशन जाएंगे, तब तक अगर शूटिंग खत्म हो गई तो अब क्या करें भैया, ये कंडक्टर उतरने भी नहीं देगा ना। दुनिया में ऐसा कोई कंडक्टर पैदा नहीं हुआ जो सलमान भाई से मिलने से रोक सके। हाँ बेटा, मेरा ही है। ओए बेटे। अरे बाप रे, ये तो भाग रही है। तेरे जी, ये तो नकली है। गोरेगांव स्टेशन आ गया, गोरेगांव वाले उतर जाओ, चलो बच्चे लोग। विवान की मम्मी को ऐसा भड़काएंगे कि बालवीर भी नहीं उससे बच पाएगा। हैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तो फिर से मर गया। ये बेवकूफ बालवीर और उन परियों को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, मैंने इसके दिमाग में घुसकर सब कुछ पता कर लिया है कि परियां अभी भी धरती पर ही हैं। और अगर परियां धरती पर हैं तो बालवीर भी धरती पर ही होगा। मगर ये कैसा अजीब कपड़ा पहना है? अरे ये कौन जोकर है जो ऐसे घूम रहा है? कैसे जोकर लोगे? अरे कब से भटक रहे हैं यहाँ पर, ना ही बालवीर मिल रहा है ना ही परिया।
कितनी बेकार पारखी नजर है आपकी। ऐसे तो बन गए आप भैराजा, कोई और काम ढूंढ लीजिए अपने लिए। चुप बेवकूफ। बाल्लोक का भैराजा बनने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। और अब देख बालवीर को सामने लाने के लिए क्या करता हूँ मैं। बड़ा आया भैराजा। धरती वासियों के जब छोटे छोटे परकच्छे उड़ेंगे तो बालवीर अपने आप सामने आ जाएगा। एक पल ठहरिए। वैसे मेरा शरीर भी छोटे परकच्छों जितना ही है, और छोटा होऊंगा तो मैं खुद को देख नहीं पाऊंगा। अरे राजा अब कीजिए। यहाँ का सलमान की शूटिंग हो रही है। ओ अंकल, आप यहाँ पे शूटिंग करने आए ना? अच्छा ये तो बता दो, भाई किधर है? कौन भाई? अरे आप समझे नहीं, अपने सलमान भाई। अरे कौन सलमान भाई? अरे यार क्या आदमी हो यार आप सलमान भाई को नहीं जानते? अरे कौन से प्लैनेट से आए हो आप? शी लानत है आप पे। बदतमीज बच्चा, सबसे पहले तुझे ही उड़ाऊंगा। जरूर किसी ने पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया है। अरे नकारा निकम्मा। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, कालोक वाले कहेंगे आपको भैराजा। कुछ कीजिए। लगता है कोई बुरी शक्ति फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। बुरी शक्ति वाले कहीं आसपास ही है। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं यहाँ पे? छोटे छोटे परकच्छे उड़ गए आपकी इज्जत के तो। शमा। ये लो बच्चों, आसमान को छूने वाले गुब्बारे बिल्कुल फ्री। ये लो ये लो। तुम जहाँ मिलते हो कोई ना कोई नुकसान करा देते हो। अब मैंने क्या नुकसान कर दिया तुम्हारा? मेरे गुब्बारे। कोई बचाओ हमें।
बालवीर तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं। तुम जितनी बार अपनी शक्ति इस्तेमाल करोगे उतनी बार तुम्हारी शक्ति कम होती जाएगी। कैसे बचाऊं इसे? सबके सामने अपने जादू का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्या करूं मैं? कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये बच्चा गया। सलमान भाई कोई आइडिया दो जल्दी। इनको बारों में इतने चेक कर दूंगा कि इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि हवा रोकनी कहाँ से और छोड़नी कहाँ से। बोलिए अब बस एक फुग्गा बोलना है फिर लड़का आराम से लैंड कर जाएगा। ओह ये तो दोनों फुग्गे फूट गए। कोशिश अच्छी थी लेकिन अंजाम बुरा हो सकता था। कोशिश मैंने कर ली ना पार्टनर और अंजाम तुमने संभाल लिया तो इसी बात पे हाथ मिलाओ। ये निशान ये कौन क्या आदमी हो यार तुम? अरे सलमान खान को नहीं जानते? कौन से प्लैनेट से आए हो भाई? अरे ये सलमान खान है, मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ। खैर अभी चलो। अरे कहाँ? अरे मेरे घर पे। और कहाँ, इतने फुग्गे फोड़ दिए तुम्हारे, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ओह कितने शरीफ बच्चे हो तुम, तुम्हारे साथ रहूंगा तो पता नहीं क्या क्या फोड़ोगे। नहीं चाहिए भाई तुम्हारे पैसे, माफ करो। ओला एक्सक्यूज मी, मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है और खबरदार जो एहसान किया मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी जल्द। लेकिन अरे चलो, सिनेमा देख देख के पृथ्वी के बच्चों का दिमाग खराब हो गया है। कश नया बालवीर इसके जैसा जिद्दी और फिल्मी ना हो। हाँ हाँ बोलिए। नहीं शर्मा जी सुनिए, आपके कल के पार्टी के लिए 11 टिफिन का ऑर्डर है ना,
तो राउंड फिगर में 12 कर दूं क्या? समझ गए ना भैया, कैसे और क्या कहना है। हाँ चिंटी, अब तुम देखते जा, विवान की मम्मी को विवान क्लब ऐसा भड़काएंगे कि उसके घर में अगली सब्जी विवान की पकेगी। चल करुणा जी, मैं बड़ा हूँ आपसे। अरे आपसे नहीं कह रही, बोलिए नहीं सुनिए, मैं ला रही हूँ आपके टिफिन। चार टिफिन है ना आपके? अरे चार नहीं, पाँच थे करुणा जी। क्या? ठीक है ठीक है, मैं घर जाके एक डिब्बा और लेकर आती हूँ। ठीक है? क्या आपसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही? अरे अरे बोलिए नहीं सुनिए, वो क्या हुआ ना कि जल्दी जल्दी मैं बना के जल्दी जल्दी मैं बांध के जल्दी जल्दी निकली ना, मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, आप पांच लो, चार टिफिन में खा लीजिएगा ना, उससे क्या है प्यार बढ़ता है। करुणा आंटी, क्या आंटी जी कितनी मेहनत करती है आप हर सुबह टिफिन बांटने में, कितना मानते हैं सब लोग आपको। थैंक यू बेटा। बस एक विवान ही है जो आपको कुछ नहीं मानता। क्यों, क्या किया विवान ने? अब क्या बता आंटी जी, हमारे इतने रोकने के बाद भी विवान बस से उतर कर मार्केट भाग गया मस्ती करने। क्या बदतमीज, जबकि मैंने इतनी बार कहा है स्कूल से पहले घर आना है, होमवर्क करना है, उसके बाद कहीं जाना है। हमने भी कहा था आंटी कि कोई भी मार्केट माँ से बड़ा नहीं होता। बोलूं, लेकिन उसने कहा मैं जो एक बार मस्ती कमिटमेंट कर लूं, फिर तो मैं अपनी माँ की भी नहीं सुनता। क्या ऐसा कहा विवान ने? हाँ आंटी ऐसा बोला। चलो घर। पर क्यों? वो तो मार्केट में है ना। हाँ लेकिन डंडा तो घर पे है ना, उसी डंडे से पिटाई करके लाऊंगी ना उसे घर वापस। हाँ 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 बोली नहीं सुनिए, मैं नहीं आ सकती हूँ, आप पिटाई खा लीजिए। क्या? अब मेरा मतलब मैं नहीं आ रही हूँ, मैं पिटाई खाने जा, मेरा मतलब मैं मेरे बेटे की पिटाई करने जा रही हूँ, मैं नहीं ला रही हूँ आपके टिफिन, टिफिन कैंसिल। चलो चलो। पृथ्वी पर काल लोग की शक्तियां काम नहीं करती जबदाली। ऐसा भैरानी क्यों? बालवीर की वजह से। एक दिन वो मेरा खाना बनेगा। जरूर बनेगा अक्रूर, क्योंकि एक दिन उसे ही मैं तुम्हारे सामने परोसूंगी अपने हाथों से। पृथ्वी हमारी नजरों से बची है क्योंकि बालवीर ने उसके ऊपर सुरक्षा कवच चढ़ा रखा है, और एक दिन वो सुरक्षा कवच मैं तोड़ूंगी अपनी काली शक्तियों से। नन्ही उंगली की कसम, हैरानी कितना भरा है आप में ज्ञान। लेकिन हैरानी, जो पूरे काललोक में कोई नहीं जानता उसके बारे में भी आपको कैसे पता? सवाल अच्छा है तुम्हारा, पर समय गलत है। तो मेरी सर्वे सर्वा आप ही बता दीजिए, इस समय आपसे कौन सा सवाल करूं? यही कि क्या होगा अगर भैमार को बालवीर मिल गया तो, क्या होगा जब बालवीर भैमार के सामने आएगा? बहुत मजा आएगा। जादू नहीं चलता तो ना चले, मोहताज नहीं हूं मैं जादू का, मेरी शक्ति मेरी उंगली में है। जब ये उंगली टेढ़ी होगी ना तो प्रलय आएगी, और अब समय आ गया है तौबा तौबा ये उंगली टेढ़ी करने का।
छोले तेड़े। टेंशन मत लो, मेरी मम्मी ने मेरी हर शरारत के लिए अलग अलग बजट बना के रखे हैं। जैसे बोल से कांच फोड़ने का बजट, टीवी फोड़ने का बजट और चोट वोट लगने का बजट। फुग्गे मैंने पहली बार फोड़ा है और कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, माफ करो। बालवीर, बालवीर हमें धरती पर बुरी शक्तियों का आभास हुआ है, जल्दी चलो यहाँ से। क्या? लेकिन ये बच्चा मुझे नहीं छोड़ रहा है ना। ओ हेलो, हवा में किसे शिकायत कर रहे हैं? मेरी मक्खी से। मक्खी? इसने मुझे मक्खी बोला? तू क्या इसे मलेरिया? नहीं, शांत रहो। अरे वापस मक्खी से बात करो। मुझे तो लगता है तुम्हें फुक्की खूनी का बहुत बड़ा सदमा लगा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भी लेके जाता हूँ, चलो। बाल परी ने फौरन बुलाया है, पर ये लड़का ऐसे जाने नहीं देगा। मैं इसे गायब कर देती हूँ। नहीं बालवीर, तुम चिंता मत करो, मैं इसे गायब करके उसके घर पहुंचा दूंगी और इसे ये याद भी नहीं रहेगा। अरे लेकिन वो, अरे आंटी आपके पास में तो एक्सीडेंट नहीं है क्या? हम भी अपने दोस्त को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। अरे बोलो मत, सुनो, बच्चे की पिटाई करने का हक सिर्फ उसकी माँ को होता है। कोई बात नहीं चिंटू, विवान को पिटते हुए देखकर मौज कर लेंगे। लाश तो छोड़ूंगी नहीं उसे। अंग्रेजी शासकों को हार का सामना करना पड़ा। बेटा तू कब आया? मम्मी जैसे स्कूल खत्म हुआ बस से सीधा घर पे आ गए, बस पढ़ने बैठ गया। पता नहीं आज पढ़ने का बहुत दिल कर रहा है। आंटी झूठ बोल रही है, दिस इज चीटिंग। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी घर जाओ नहीं तो आंटी डंडे मारेगी। चिंटू, चिंटी। अरे यार विवान को डंडे पड़वाने के चक्कर में अब खुद को डंडे खाने पड़ेंगे, हमेशा उल्टा मेरे साथ ही क्यों होता है? तुम लोग मानोगे नहीं हा? कितनी बार हमने तुम्हें समझाया है कि स्कूल बस से सीधा घर आना है। चलो घर बताते हैं तुम्हें। दर्द हो रहा है। चलो अभी हम बताते हैं, चलो चलो घर चलो। आ, डंडा। आ, अरे छोड़ेंगे नहीं, रुको। वाह भैरानी वाह, नन्ही उंगली की कसम, आप तो बिना पूछे घुस जाती है दिमाग में। कसम से एक बार मेरा दिमाग पढ़कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका ये जब्दाली आपका कितना बड़ा है। भक्त भैरानी आगे क्या करने वाली बताइए ना। भैरानी जब जब आप ऐसे चुप रहती है ना, तब तब आपके दिमाग में ना कुछ चल रहा होता है, बहुत खतरनाक खुराफात। मेरे कान सुनने के इच्छुक हो रहे हैं, बताइए ना। बता दूंगी तो देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा जब्दाली। ये भी सही है, देखने का मजा तो अलग होगा। वैसे भैरानी आपको थोड़ी बहुत ये नहीं है चिंता, क्योंकि वो बेवकूफ भैमार और तौबा तौबा वो भी तो वही है नीचे, कहीं आपसे पहले उन्होंने बालवीर को पकड़ लिया तो। मूर्खों की चिंता करना तिमनासा को शोभा नहीं देता। दृश्यम होगा। ओ होने वाले बहराजा, बिना जादू के बिना धारी जैसी तलवार लिए कैसे लड़ोगे बालवीर से? ये तुझे पता है कि मेरी तलवार में धार नहीं है, ये मुझे पता है कि मेरी तलवार में धार नहीं है, लेकिन ये बालवीर को तो नहीं पता ना। जब जब लोग धरती पे मुसीबत में होते हैं,
तो बालवीर को आना ही होता है। बालपरी लोग मुसीबत में हैं माँ, मुझे जाना होगा। रुको बालवीर, रुको, ये जरूर कोई बुरी शक्ति की चाल हो सकती है। अब आएगा बालवीर। कोई भ्रम हो सकता है, और बालवीर तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगी तो और कमजोर हो जाओगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती हूँ। माँ लोग मुसीबत में, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बालवीर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी शक्ति अगर कम हो गई तो फिर आजा बालवीर, आजा, आना तो तुझे पड़ेगा बालवीर। माँ आपने ही सिखाया है, बालवीर का धर्म है लोगों की रक्षा करना, और वो बालवीर ही क्या जो सही के लिए अपनी जान देने से पीछे हट जाए। लोग दिल से बुलाएंगे तो बालवीर जरूर जाएगा। तू और तेरी अच्छाई गिरी खत्म। Thank you.
मतलब ये भी दृश्यम है। अरे सात लोगों ने मिलके कुत्ते की तरह धो डाला बिना जादू वाले राजा जी को। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, कानून वाले बोलेंगे आपकी लाश को, भागे यहाँ से। बालवीर, मैं इस बार हार जरूर गया हूँ, लेकिन याद रखना, हारा हुआ जुआरी दुगना जुआ खेलता है। मेरा अगला वार दुगना खतरनाक होगा। अब दृश्यम खत्म करना होगा। मेरे रहते तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तू परियों की वजह से बच गया बालवीर। अब तू देखेगा मेरा वार। नहीं बालवीर, इस दृश्यम के जवाब में तुमने जो दृश्यम किया है उससे तुम और कमजोर हो गए हो। लेकिन बाबू। नहीं बालवीर नहीं, तुम्हारी जान का खतरा हम नहीं ले सकते। अरे मेरे हाथ तो चमकने लगे। अंधेरा होने के बाद तो हम पूरी तरह चमकने लगेंगे। हाँ, फिर हम अपनी असलियत कैसे छुपाएंगे? हम सबको थोड़ी ना ये बता सकते हैं कि हम चमकने वाली लड़कियां हैं। अच्छा, परियां रात होने पे चमकती हैं। परियो, हमें जल्द से जल्द वीरलोक जाना होगा। के लिए ये महाशय ऐसे ऐसे अनाप शनाप हाथ हिला रहे थे, फिर भी कुछ नहीं आया पकड़ में। तीन चार मक्खियां तो हंसते हुए चली गई इन पे। ऐसे ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं बाहर। बालवीर को पकड़ना तो छोड़ो भैमार, तुम तो अपना दृश्यम तक उन्हें दिखा कर आ गए। वार तो छोड़ो, तुमने तो अपना हथियार भी उन्हें दिखा दिया। राजा का काम है दुश्मनों का सामना करना, ना कि अपने महल में बैठ के काले बिल्ले से गप्पे मारना। जबान संभाल भैमार। मैंने कोशिश तो की, तुमने क्या किया? कल का सूरज डूबने से पहले बालवीर का सर काट के मैं लाऊंगा इस महल में और इस तख्त पर बैठूंगा जो मेरा हक है।